सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक्स गेमिंग। एंड गाइस, दिस इज अबाउट नंबर 65th वीडियो ऑफ टूर्नामेंट सीरीज एंड गाइस फाइनली फोर्थ वीडियो ऑफ टीम एनालिसिस सीरीज। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले। बेसिकली अभी जो आपको पता है ना, FFAES आने वाला है और उनमें से सातों रीजन से मतलब सात टीम्स जो है वो इनवाइटेड मतलब टीम्स है एज अ ग्रैंड फाइनल्स के लिए, ठीक है। तो वहां पर सात टीम्स रहेंगी, पार्टिकुलर अलग अलग कंट्रीज है। तो उसमें से अपनी इंडिया की टीम जो है वो टीम इलीट है एकदम मतलब झक्कास वाली, और जो हमारी पाकिस्तान की टीम है वो है हॉटशॉट ईस्पोर्ट, जो कि पता है बहुत ही खतरनाक टीम है, मतलब ठीक ठाक टीम है, बहुत अच्छी टीम है और पाकिस्तान तरफ से। तो वो जो है FFPL सीजन 2 की चैंपियन भी रही है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। जैसे टीम इलीट ने कई सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं बड़े बड़े नेशनल लेवल पे, वैसे ही इन्होंने भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं और जीते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनके हिसाब से ये टीम बहुत अच्छी टीम है पाकिस्तान की तरफ से, तभी इनको इन्वाइटर स्लॉट मिला है। मतलब ऑब्वियसली बात है, जो चैंपियन रहेगा उसी को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग टीम इलीट और हॉटशॉट ई स्पोर्ट्स का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीम इलीट के बारे में तुम्हें सारी जानकारी है ही, मतलब वैसे तो होगी, अगर नहीं होगी फिर भी हम बता देंगे तुम्हें। लेकिन हॉटशॉट ईस्पोर्ट्स के बारे में तुम्हें कम जानकारी होगी, तो उसके लिए हमको बता दें कि इनके जो टीम्स के मेंबर्स हैं वो है हासू भाई 11, जो कि MVP रह चुके हैं फ्री फायर प्रो लीग सीजन 2 के भी चैंपियनशिप में, और बहुत अच्छा खेलते हैं, जबकि कैप्टन भी हैं, अपनी अपनी टीम को लीड करते। और इब्रार भाई हैं जो कि शावल 77 है, और सिक्का भाई 55, और आनस भाई अपने हैं, जो कि मतलब इतने प्लेयर्स होंगे इनमें से कुछ एक बैठेंगे, मतलब एक कहने का मतलब है एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। अभी तुमको इलीट के ड्रॉप लोकेशन रट रहे होंगे, केप टाउन बरमुडा मैप में केप टाउन उतरते हैं, और परगेटरी में स्किलोज उतरते हैं, कालाहारी में काउंसिल उतरते हैं। इससे तुमको ये पता चलता है कि ये लोग एंड मैप ज्यादा सर्वाइव करते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लोग एंड मैप ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें हॉटशॉट टीम की, मतलब पाकिस्तान की टीम की, तो एज पर इन्फॉर्मेशन ऑफ FFPL सीजन 2 ग्रैंड फाइनल की, तो वहां पर ये लोग बरमुडा मैप में मिल साइड ज्यादा प्रेफर करते हैं, और अपने परगेटरी में ये लोग सेंट्रल और फायर ब्रिगेड के पीछे वाली साइड में ज्यादा प्रेफर करते हैं, और कालाहारी में ये लोग काउंसिल हॉल ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब तुम्हें इतना सुनने के बाद दोनों टीम्स में कुछ सिमिलरिटी लगी होगी, मतलब कोई कॉमन चीज लगी होगी, वो क्या चीज है वो तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक तो कॉमन चीज है कि इनकी क्लैश लैंडिंग होने वाली है, ड्रॉप लोकेशन मतलब इन लोगों का सेम है। अभी तक इंफॉर्मेशन है जितनी, मतलब जितना नॉलेज है तुम लोग को, जितना हमें पता है, जितना सब मतलब सारी टीम्स को पता है, ये लोग अगर अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज नहीं किए तो इनकी क्लैश लैंडिंग होने वाली है। लेकिन ऐसा मुश्किल है, मतलब थोड़ा लगता है, थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि यार ड्रॉप लोकेशन चेंज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और नहीं भी चेंज करना फिर भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि तुम इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हो, अगर क्लैश लैंडिंग हो जाती है और तुम्हारी अर्ली फाइट हो जाती है, तो वहां पर प्रॉब्लम दोनों टीम को फेस करनी पड़ जाएंगी, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम कैसे फेस करनी पड़ेंगे वो तुमको आगे बताएंगे। अभी एक दूसरी चीज की बात करते हैं जो कि इन दोनों टीम्स के सिमिलर है, वो क्या है, ये दोनों टीम्स मैप के एंड साइड ज्यादा प्रेफर करती हैं, और दोनों ही टीम्स गाइस जोन के साथ रोटेशन लेना पसंद करती हैं, और जोन के साथ मतलब जोन के साथ साथ खेलना पसंद करती हैं। अगर बात करें टीम इलीट की, तो वो लोग अपने ड्रॉप लोकेशन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लूटिंग करने में, मतलब लूट एरिया ये लोग पूरी तरीके से खाली कर डालते हैं, और हॉटशॉट जो ई स्पोर्ट्स है वो थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करती है एज कम्पेयर टू टीम इलीट, क्योंकि टीम इलीट मुश्किल से अपने 5 से 7 मिनट पूरे स्पेंड कर देती है ड्रॉप लोकेशन में। वो इसलिए करती है ताकि जोन का साथ साथ होता है, जो कि तुमको पता है मैंने पिछले वीडियो में एनालिसिस कर दिया था, लेकिन फिर भी बता देता हूं। पहला पॉइंट तो ये होता है, अगर किसी दूसरी टीम की क्लैश लैंडिंग हो जाती है और वो लोग वहां पर केप टाउन की तरफ रश करते हैं, तो लोग वहां पर फिनिश मार देते हैं। जरूरी नहीं केप टाउन हो, इनके होम टाउन पे अगर रश करते हैं तो, क्योंकि इनके पास सफिशियंट लूट होती है और इनके पास हाइट का एडवांटेज होता है, और किसी को टीम को सामने पता भी नहीं होता है। देखो भैया, अगर इलीट जहां उतरेगी वहां पर कोई भी टीम उतरना मुश्किल है, इलीट ही नहीं मतलब कोई भी अगर टीम अपने होम टाउन पे उतरती है, अगर तुम्हारी क्लैश लैंडिंग नहीं होती है तो तुम वहां पर जाना प्रेफर नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि वो लोग को पहले से पता होता है, ठीक है। अगर तुम एक चीज 10 बार कर चुके हो तो तुम उसके बारे में फुल नॉलेज होगी और तुमको फुल एक्सपीरियंस हो गए होगे उस चीज को लेकर। ये दो सिमिलरिटी हो गई, ठीक है। अभी हम बात करें इन लोगों का क्लैश लैंडिंग कैसे होने वाला है अगर ये लोग अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज नहीं करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि अपना जिसको मतलब जितना सबको पता है कि टीम इलीट अपना ड्रॉप लोकेशन वही प्रेफर करती है, मतलब अपने कालाहारी मैप में काउंसिल हॉल, और काउंसिल हॉल में ये लोग 3:1 स्प्लिट होते हैं। अब 3:1 स्प्लिट होने का मतलब है बाकी आइकॉनिक को छोड़ के बाकी 3 प्लेयर काउंसिल हॉल लूटते हैं और आइकॉनिक अपना नीचे के साइड लूटता है, ठीक है, क्योंकि वो सपोर्टर है पहली बात, ऑलराउंडर है सबको पता है, ठीक है, तो वो सब हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर एक टीम और मतलब टोटल आइकॉनिक भाई अकेले उसके ऊपर रश करते तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। लेकिन कालाहारी में काउंसिल हॉल और इनकी स्प्लिट मतलब इनकी स्प्लिटिंग टेक्निक भी सेम ही है, हालांकि मतलब मेरा है कि हॉटशॉट की भी स्प्लिटिंग टेक्निक भी सेम है और लूटिंग एरिया भी सेम है, मतलब वो कैसे लूट करते हैं लूटिंग टेक्निक भी सेम है। वो कैसे, क्योंकि काउंसिल हॉल में ये लोग भी 3:1 स्प्लिट होते हैं, ठीक है, वो नीचे की साइड आता है बंदा जो कि लूटता है काउंसिल हॉल के, वो है शवा 77। तुम समझ सकते हो मतलब दोनों टीम की इक्वली फाइट होगी, अगर 3 बंदे काउंसिल हॉल पे हैं तो 3 बंदे उधर फाइट करेंगे, लेकिन आइकॉनिक भाई यहां पर बच जाएंगे और शवाल यहां पर बच जाएगा, तो दो टीम्स के मतलब दोनों अलग अलग इक्वली फाइट हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा तब होता
होता है जब ये लोग अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज नहीं करते हैं तो, ठीक है। एंड गाइस दिस इज ऑल अबाउट कालाहारी मैप और बरमूडा मैप में परगेटरी मैप में इनका कोई भी मतलब होम टाउन मतलब कहने का मतलब मेरा ड्रॉप लोकेशन कॉमन नहीं है, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट है। हालांकि दोनों टीम्स मैप के एंड साइड खेलना प्रेफर करती हैं, ठीक है, मतलब जो हॉटशॉट टीम है वो मिल पे उतरती है। देखो इनके फिर इनकी जो लूटिंग स्ट्रेटजी और स्प्लिटिंग स्ट्रेटजी वो है 3:1, लूट करते हैं आराम से, और 3:1 स्ट्रेटजी इनकी ये है कि ये लोग मिल पे उतरते हैं, तीन बंदे इनके मिल पे उतरते हैं और कभी भी अगर एक बंदा पीछे लूट कर रहा होगा, पीछे का एरिया खाली कर रहा होगा, वो तुमको मिल जाएगा सवाल, ठीक है, सवाल 77, क्योंकि वो भी शायद कुछ ऐसा ही मतलब बंदा है, मेरे को उसके बारे में पूरी फुल डिटेल मालूम नहीं है। जितना कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है मैं आपको सब डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा रिवर साइड में मतलब एरिया होता है वो उधर सवाल लूट करता है, और बाकी अपने परगेटरी की बात करें तो ये लोग सेंट्रल ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेंट्रली प्रेफर करते हैं, और सारे के सारे बंदे इनके सेंट्रल लूटते हैं। प्लस ये जो फायर ब्रिगेड के पीछे साइड वाला एरिया होता है, सेंट्रल के पीछे साइड वाला और फायर ब्रिगेड के पीछे साइड वाला एरिया होता है जो कॉमन होता है, ठीक है, वहां पर भी 77 स्प्लिट होकर मतलब लूट करता है, जो कि 3:1 में स्प्लिट होते हैं ये लोग। इतनी देर से बता रहा हूं तुमको पता चला होगा कि एक वर्ड कॉमन आ रहा है, वो वर्ड कॉमन कौन सा आ रहा है, वो वर्ड ये कॉमन आ रहा है कि भैया स्प्लिटिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, वो चीज मतलब एक अच्छे काम में भी यूज होती है और गलत काम में भी यूज होती है, मतलब टीम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उनमें कैसे यूज करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो वर्ड मैं जल्दी ला दूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना भैया। इनकी तुम मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स भाई टीम लीड से मैच करती मिल जाएंगी, जैसा कि ये लोग थर्ड पार्टी भी करते हैं, जैसे कि मतलब सारी टीम थर्ड पार्टी करती है, लेकिन ये लोग भी ज्यादा मतलब घुसना प्रेफर नहीं करते हैं, कभी भी इनको देखोगे थर्ड पार्टी इनकी ज्यादा मतलब करते हुए मिल जाएंगे, और ये लोग भी जोन के एंड साइड खेलना पसंद करते हैं और जोन ही के साथ साथ ये लोग लोकेशन लेना पसंद करते हैं। तो अब देखना यह है कि किस टीम का ड्रॉप लोकेशन चेंज होता है और कौन सी टीम मतलब बैकअप लेती है, स्टेप बैक करती है, और स्टेप डाउन करने के बाद उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वो सब हम मतलब आने वाले टूर्नामेंट्स में देख ही लेंगे। तो आज की वीडियो में मेरे को कुछ इतना ही बोलना था, वीडियो वॉज टू शॉर्ट, मतलब उतना भी शॉर्ट नहीं थी, लेकिन जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन मतलब अच्छी लगी और जो मेरे को बताना मतलब अच्छा लगा कि मैं तुमको बता दूं और जिसे कुछ तुम्हें सीखने को भी मिले, ठीक है। एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर, अगर इन लोगों का ड्रॉप लोकेशन चेंज नहीं होता है तो बहुत बड़ी राइवलरी होने वाली है, मतलब सीरियसली यार, क्योंकि अर्ली फाइट होगी और उनमें से 3-1 और 1:1 का क्लैश होगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और ऐसा करने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है वो तो देखा ही जाएगा। तो दिस वॉज समझ गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।